एक केंद्रित मन खतरनाक मन होता है। अगर आप विचार को सशक्त बना लेते हैं तब अचानक उसकी शक्ति जबरदस्त होती है। वो बस आपको देखकर ही आपको बीमार कर सकते हैं। हमारे पास सरल तरीके हैं। ये एक जबरदस्त संभावना है। नमस्कारम सद्गुरु। ऐसा कहा जाता है कि बुरी नज़र बुरी किस्मत लेकर आती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। बुरी नज़र क्या होती है और इससे बचने के क्या तरीके हैं? तो क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाँ, लोग चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अभी अगर बस मैं इस पानी को लेकर इसे एक मिनट तक देखता रहूं तो हम आज ये सिद्ध कर सकते हैं कि पानी की मॉलिक्यूलर संरचना बदल जाएगी। तो अब अगर मैं इन्हें देखूं तो क्या इनके अंदर के पानी की मॉलिक्यूलर संरचना नहीं बदलेगी? जरूर बदलेगी। ये पॉजिटिव तरीके से बदल सकती है या नेगेटिव तरीके से बदल सकती है, दोनों संभव हैं। एक केंद्रित मन खतरनाक मन होता है। खतरनाक होगा या नहीं यह उसकी मंशा पर निर्भर करता है। अगर आप विचार को सशक्त कर लें तब वो विचार बहुत शक्तिशाली बन जाता है। गुस्से से भरा दिमाग, काम वासना से भरा दिमाग, प्रेम से भरा हुआ दिमाग, ये सब बहुत शक्तिशाली दिमाग हैं। इसका कारण गुस्सा या प्रेम नहीं है, बस इसलिए क्योंकि वो एक बिंदु पर केंद्रित हो गया है। अगर कोई चीज एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो अचानक वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अगर आप ऐसा करें तो यह चोट नहीं पहुंचाएगा, पर आप इसे इस तरह बना लें तो यह चोट पहुंचाएगा, है कि नहीं? क्योंकि यह एक बिंदु पर केंद्रित हो गया है। फोर्स वही है, पर एक बिंदु पर केंद्रित होने से अचानक उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तो यह एक बिंदु पर केंद्रित होना आपकी जागरूकता से हो सकता है या साधना से या फिर गुस्से से। जब आप इस व्यक्ति पर एकदम गुस्सा होते हैं तो आपका मन एक जगह केंद्रित हो जाता है। गौर कीजिए, प्यार में यहां वहां घूम सकता है, पर गुस्से और नफरत में दिमाग एक जगह केंद्रित हो जाता है। एक जगह केंद्रित होने से यह प्रभाव डाल सकता है। तो लोग जब गुस्सा, नफरत, लालच के चरम पर होते हैं और वो किसी पर वाकई फोकस करते हैं तो सामने वाले के साथ कुछ चीजें हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि होंगी ही। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस स्थिति में हैं। अगर आप इस तरह से व्यवस्थित हैं कि बाहरी प्रभाव ये तय नहीं करते कि आपके भीतर क्या होता है, तो चाहे जो कोई भी आपको देखे, आप उन चीजों से मुक्त रहेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां लगातार आप अपने आसपास की हर चीज से प्रभावित होते हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो यह संभव है कि कुछ खास तरह के लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं। वो बस देखकर आपको बीमार कर सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। ऐसे लोग भी हैं जो किसी को देखकर उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। अगर आप किसी के अंदर बस उसे देखकर परमानंद पैदा कर सकते हैं तो आप चाहें तो पीड़ा भी पैदा कर सकते हैं। बस स्विच अलग है, बस इतना ही। यह आपके नल की तरह है, इस तरफ घुमा दें तो गर्म पानी, उस तरफ ठंडा पानी। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका कई तरीकों से सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। यह जबरदस्त संभावना है, पर लोग इसका अलग तरह से इस्तेमाल करना चुनते हैं। हम जो भी करना चाहें, जो जीवन को बेहतर बना सकता है, जो जीवन बचा सकता है, जीवन को सुंदर बना सकता है, उसी का इस्तेमाल जीवन को नष्ट करने में, उसे भयानक बनाने में भी किया जा सकता है, है ना? हर दिन यह हो रहा है। टेक्नोलॉजी, आप उसका किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यह भी वैसा ही है। इस शरीर और इस दिमाग का भी उसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए भारतीय महिलाएं एक बड़ी बिंदी लगाती थीं और इसे खास सामग्री से बनाया जाता था। हल्दी और नींबू का उपयोग किया जाता था ताकि बुरी नजर का असर ना हो। खास तौर से अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर हो
तो वो उसे और बड़ा करके लगाती थी। क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोगों की नजरें उस पर पड़ती हैं जिसकी भौतिक उपस्थिति आकर्षक होती है, तो उसका स्वास्थ्य और खुशहाली और ये सब प्रभावित ना हो, इसलिए वो बिंदी और बड़ी कर देती थी। तो अगर आप खुद को सुंदर मानती हैं तो आपको बड़ी आपकी छोटी है, मैं समझ सकता हूं। तो इन सब चीजों में मत पड़िए, क्योंकि फिर आप सोचने लगेंगे कि अभी मेरा पेट दर्द हो रहा है क्योंकि इसने मुझे देखा, मुझे सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उसने देखा था। इन सब चीजों में मत पड़िए। इसके लिए हमारे पास सरल प्रक्रिया है, हम आपको आग से नहलाएंगे। आप जानते हैं आग से नहाना क्या होता है? It's called क्लेश नाशन। इसे क्लेश नाशन कहते हैं। That means an act which will take away the impurities that gather around you। ऐसी क्रिया जो आपके इर्द गिर्द जमी अशुद्धि को दूर कर देगी, क्योंकि आपका शरीर बस यही नहीं है, आपका शरीर यहाँ तक सीमित नहीं है, ये आगे तक फैला है। क्या आपने गौर किया है? शायद स्त्रियां पुरुषों की तुलना में इसके लिए ज्यादा संवेदनशील होती हैं। किसी को आपको छूने की जरूरत नहीं है, अगर कोई थोड़ा ज्यादा पास आ जाए, और ये मनोवैज्ञानिक बात नहीं है, ये अलग चीज है, मनोवैज्ञानिक और भावनाओं के पहलू भी हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके बहुत पास आ जाए तो तुरंत ऐसा लगने लगता है, ऐसी फीलिंग होती है, होता है ना, कि आपको थोड़ी दूरी चाहिए। उन्होंने आपको छुआ नहीं है, बस यहां तक। इतने से ही कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है ना, क्योंकि शरीर यहां खत्म नहीं होता, ऊर्जा इससे और आगे तक होती है। कितने आगे तक यह निर्भर करता है कि आपकी जीवन ऊर्जाएं कितनी उल्लासमय हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं एकदम उल्लासमय हैं तो आप ऊर्जा से इस हॉल को भर सकते हैं, नहीं तो कम से कम थोड़ी दूर। ज्यादातर लोगों के लिए यह उनके शरीर से 3 से 9 इंच की दूरी तक हो सकती है। तो आप अपने शरीर पर चीजें इकट्ठी करते हैं, उसे आप धो लेते हैं, उसी तरह आप कुछ दूसरी तरह की चीजें अपनी ऊर्जा सिस्टम पर इकट्ठा कर रहे हैं। आप इसे पानी से धो सकते हैं, कुछ दूषित चीजें उससे चली जाएंगी। ऐसे ही हम आग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप दृष्टि कह रहे हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि यह किसी के देखने से हो रहा है या नहीं, वो पक्का नहीं है, पर आपके आसपास के जीवन का प्रभाव निश्चित ही आपके एनर्जी सिस्टम पर हो रहा है। अगर आपके पास अपने भीतर कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यानी आप किसी तरह की क्रिया या ध्यान की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को भीतर से साफ करना जानते हैं।